हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआर फैक्ट्स पर। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द वीडियो। 6 अगस्त 1945 को यूएस एयरफोर्स ने हिरोशिमा में द लिटिल बॉय यानी कि छोटा बच्चा नाम का बम डाला, जिसका वजन 4400 किलो था और उसमें यूरेनियम की मात्रा 64 किलो थी, जिसके कारण 146,000 लोगों की मौत हो गई थी। उस न्यूक्लियर अटैक के 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को फिर से यूएस एयरफोर्स ने नागासाकी में बम गिरा दिया, जिसमें करीब 80,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। मगर कमाल की बात यह है कि सुतोमू यामागुची, जो कि जापान के एक आम नागरिक थे, उनके घर में एक टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें उनकी पूरी फैमिली मारी जाती है और सुतोमू अपनी जान बचाकर हिरोशिमा की तरफ भागते हैं। और वहां पहुंचने के बाद 6 अगस्त को हिरोशिमा में न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, जिससे बचकर वो नागासाकी की तरफ भागते हैं, पर मौत ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। 9 अगस्त को वहां पर भी बम गिर जाता है और कमाल की बात यह है कि सुतोमू वहां से भी बच निकलते हैं। 29 साल के सुतोमू पूरी दुनिया के अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक टेररिस्ट अटैक और 2 न्यूक्लियर अटैक होने के बावजूद भी अपनी जान नहीं गंवाई, जिनकी मौत 4 जनवरी 2010 को स्टमक कैंसर के कारण हुई थी। 1916 इटली। एंटोनियो नाम के किसान हुआ करते थे, जिनके घर पर एक बेटे का जन्म होता है जिनका नाम पड़ा फ्रूचियो। फ्रूचियो को बचपन से ही गाड़ियों का शौक था। फ्रूचियो ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटालियन एयरफोर्स के साथ एक मैकेनिक के तौर पर भी काम किया था, जिसके बाद उन्होंने सेना की गाड़ियों की इंजन खरीदकर ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद 1948 में उस ट्रैक्टर कंपनी का नाम लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स पड़ा और वो वहाँ का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। क्योंकि फ्रूचियो लैम्बोर्गिनी को बचपन से ही लग्जरी गाड़ियों का शौक था, तो सक्सेस मिलने के बाद फ्रूचियो ने फेमस स्पोर्ट्स कार फरारी 250 खरीदी और कुछ समय चलाने के बाद उन्होंने देखा कि उस कार में कुछ कमियां हैं और वो सीधा फरारी के मालिक के पास चले गए उस गाड़ी की कमियों को ठीक कराने के लिए। जब उन्होंने उस गाड़ी की कमियां फरारी के मालिक को बताई तो फरारी के मालिक एंजो फरारी उनसे चिढ़ गए और बोले कि तुम्हारी औकात सिर्फ ट्रैक्टर्स चलाने की ही है, फरारी चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं। जिस बात से लैम्बोर्गिनी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने ठान लिया कि वो भी अपनी ट्रैक्टर कंपनी को एक बहुत बड़ी कार कंपनी बनाएंगे और फरारी से बदला लेंगे, जिसके बाद 1963 में उन्होंने लैम्बोर्गिनी को कार कंपनी में तब्दील कर दिया और अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GT 1964 में लॉन्च कर दी। लेकिन 1966 में लैम्बोर्गिनी मयूरा ने सभी सुपरकार्स को पीछे छोड़ दिया और लैम्बोर्गिनी फरारी से भी बड़ा ब्रांड बन गया। और लैम्बोर्गिनी की सक्सेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लैम्बोर्गिनी कभी भी अपनी गाड़ियों की एडवर्टाइजमेंट टीवी पर नहीं करती, क्योंकि उनका मानना है कि जो कोई भी इस गाड़ी को खरीदने की हैसियत रखता है वो अपना टाइम टीवी देखने में बर्बाद नहीं करेगा। ऐसा लगेगा आपको अगर आप निर्दोष हैं फिर भी आपको सजा मिल जाए। ध्यान से देखिए इस इंसान को, ये वो इंसान है जिसे जज ने बेगुनाह पाया और बाइज्जत बरी किया 27 साल की जेल के बाद। That was really bad man. I feel sad for him. मिरर यानी शीशा तो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और शायद इसके बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता। पर क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा शीशा कितना बड़ा है? अगर आप नहीं जानते तो जान जाएंगे। दरअसल ये शीशा कोई मैनमेड शीशा नहीं, मतलब इस शीशे को किसी ने बनाया नहीं, बल्कि एक नेचुरल शीशा है जो कि 4086 मील यानी कि 6575 किलोमीटर लंबा चौड़ा शीशा है और इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये न्यूयॉर्क शहर से 8 गुना बड़ा है। असल में ये कोई शीशा नहीं बल्कि ऐसी ज़मीन है जो कि मिक्सचर है पानी और नमक का।
इसका नाम है सोलार दे उयुनी, जो कि बोलिविया साउथ अमेरिका में स्थित है। द प्लेस वेयर हेवन मीट्स द अर्थ, यानी कि वो जगह जहां धरती स्वर्ग से मिलती है। आप सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मॉल में घूमने तो जरूर गए होंगे, लेकिन शंघाई का ग्लोबल हार्बर मॉल पूरी दुनिया में सबसे अलग मॉल है, क्योंकि इस मॉल में स्पेशल ग्लास पॉड्स हैं आदमियों के लिए, जिन्हें हस्बैंड स्टोरेज भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज न्यूज, ये पॉड एक गेम सेंटर है उन पतियों के लिए जिनकी बीवी शॉपिंग करने आई है इस मॉल में, और वो पॉड तब तक नहीं खुलता जब तक कि उनकी बीवी शॉपिंग करके वापस नहीं आ जाती। तो गाइस, ये है चाइना की टेक्नोलॉजी, देख लीजिए आप। ये एक अजीब सा लॉ है, मगर बड़ा ही कमाल का लॉ है, द कैटास्ट्रोफी लॉ। इस कानून के हिसाब से अगर आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अगर उसमें आग लग जाती है या फिर वो किसी भी कारण से तबाह हो जाती है, तो उसी वक्त उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा और उन्हें उनकी डिग्रियां भी दे दी जाएंगी। और यहाँ तक कि अगर एग्जाम देते वक्त किसी भी स्टूडेंट की मौत हो जाती है, तो उस सेमेस्टर में पढ़ रहे सभी बच्चों को पास माना जाएगा। तो कब जला रहे हैं आप अपनी यूनिवर्सिटी को? टॉम क्रूज को इस दुनिया में कौन नहीं जानता। टॉम क्रूज एक अमेरिकन एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जो जाने जाते हैं अपने लुक्स और स्टंट्स के लिए। टॉम क्रूज इस दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान थे अकॉर्डिंग टू 2016 मैगजीन, और उनकी मूवी मिशन इम्पॉसिबल ने तो धूम ही मचा दी थी। क्या आप जानते हैं बुर्ज खलीफा इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर यानी कि 2723 फीट है। और मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज ने बुर्ज खलीफा की चोटी पर चढ़कर एक स्टंट किया था। दैट्स द रीजन व्हाई ही शुड बी वर्ल्ड्स बेस्ट एक्शन हीरो। जॉन ली एक ब्रिटिश नेवी ऑफिसर थे, वो फेमस थे कभी न मरने के लिए। 1885 में ली ने कन्फेस किया कि वो एक खूनी है और उन्होंने अपनी बॉस ईमा कीज का खून किया है। उन्होंने बताया कि वो पहले भी बहुत सारे अपराध कर चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई, जिसके कारण ली डर गए और खुद को निर्दोष बताने लगे। ली को द मैन यू शुड नॉट हैंग भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और जिसके बाद उन्हें फांसी पर टांगा गया। और कमाल की बात यह है कि उन्हें फांसी तो दी गई पर उन्हें मौत नहीं आई। दरअसल उन्हें 3 बार फांसी दी गई और वो फिर भी नहीं मरे। जॉन ली पूरे इतिहास में ऐसे अकेले इंसान हैं जिन्हें 3-3 बार फांसी की सजा सुनाई गई और वो फिर भी नहीं मरे, जिसके बाद उनकी सजा रद्द कर दी गई। उनकी मौत 80 साल की उम्र में सुसाइड करने से हुई थी। आप सभी ने दो देशों के बीच बॉर्डर तो देखे होंगे, जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, हिंदुस्तान और चाइना के बीच, पर क्या आपने कभी 3 देशों के बीच बॉर्डर देखे हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साउथ अमेरिका के उस बॉर्डर के बारे में, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत बॉर्डर भी कहा जाता है, जो कि पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच में पड़ता है, जिसे द ट्रिपल फ्रंटियर भी कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत बॉर्डर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये बॉर्डर जंगलों के बीच हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ है और यहाँ से एक वोजू वाटरफॉल भी निकलती है। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे दांत हमारे मुंह के अंदर होते हैं और हर एक जीव के दांत उसके मुंह के अंदर होते हैं, पर लोबस्टर यानी कि झींगा ऐसा जीव है जिसके दांत उसके पेट में होते हैं और खाना वहीं पचता है और वहीं चबाया जाता है। अगर आपको भी मेरी तरह एस्ट्रोनॉमी पसंद है, तो ये फैक्ट आपके लिए ही है।
16 मई 2020 को मून यानी कि हमारा चांद और वीनस यानी कि शुक्र ग्रह और जुपिटर ये एक ऐसे अलाइन हो जाएंगे जो कि एक स्माइली फेस बनाएंगे कुछ ऐसा। गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एंड में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।